तो एक तंदुरुस्त दिमाग एक तंदुरुस्त जिस्म में ही हो सकता है, और तंदुरुस्त जिस्म के लिए जरूरी है कि हम अपने बॉडी को मूवमेंट दें, क्योंकि जिस तरह हमें पता है हमारी जुबान को हर दिन बोलना होता है, आंखों को देखना होता है, तो इसी तरीके से जो हमारे जॉइंट्स है दे नीड द मूवमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम वो मूवमेंट्स नहीं करते हैं तो हम सुस्ती महसूस करते हैं, हम अपने आप को अच्छे तरीके से कम्फर्ट नहीं फील करते, तो इसीलिए मूवमेंट जरूरी है। और खासकर जो योगा एक्सरसाइज हम करते हैं ये खाली माइंड कंसंट्रेशन के लिए है, माइंड की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें एक ही चीज जिसमें हम कितना दिमाग पे जोर पड़ता है, तो ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज पद्मासन, ओके। तो ऐसे आपने करना है, पूरा इरेक्ट अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, ऐसे, शाबाश। पर आप डॉक्टर सर, यस सर, स्टूडेंट ने ये मिसाल की बोल को थोड़ा सा पांच थ्री मिनट तक की कमर स्ट्रेट रखना है, ठीक है, ऐसे दबा के रखना है, सोचना कुछ नहीं, ना तो कुछ पढ़ना है, हिंदुइज्म का कुछ भी नहीं पढ़ना है, खाली माइंड पे कंसंट्रेट करना है, बाकी चीजें दिमाग से बाहर निकालनी है, फिंगर की कुछ दिमाग के ऊपर ध्यान थोड़ा देना है, ठीक है। तीन मिनट सीखा, कमर थोड़ा स्ट्रेट पीछे, बाजू को भी स्ट्रेट रखना, अपने फिंगर टिप्स और दिमाग दोनों का कनेक्शन देख, इंडेक्स पोजीशन में है कुछ, और जिन लोगों को एब्डोमिनल प्रॉब्लम है कोई भी, ठीक है, उसके लिए सबसे बेहतर है एब्डोमिनल प्रॉब्लम। इवन सो मेनी डॉक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस पेशेंट दैट यू शुड सिट इन लाइक दिस पोजीशन, कमर को स्ट्रेट रखना है, आंखें बंद, ठीक है, और कंसंट्रेशन खाली माइंड पे करना है, सोचना कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग पे कंसंट्रेट करना है। किसी को भी बाजू में तकलीफ है तो उसके लिए सबसे बेहतर है, इवन किसी को भी एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट, ओके। चलो ये तो लिखो, ये तो ऐसे इतना ही है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है